नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर और जनाधिकार न्यूज। पल-पल की खबरों पर नजर, और इस वक्त मैं आपके साथ हूं ज्ञानू कुमार दीक्षित। सबसे बड़ी खबर, खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर हो जनता से जुड़े मुद्दों की या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके जिले की हर खबर। महिला कृषक गोष्ठी व गठित कृषक समूह का क्षमता विकास परीक्षण कार्यक्रम मनाया गया सीतापुर रे उषा ब्लॉक सभागार में। आज दिनांक 26/11/2020 को महिला कृषक गोष्ठी व गठित कृषक समूह का क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला गोष्ठी में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर सुशील कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक राहुल वर्मा महाराज कुमार, तकनीकी सहायक रविंद्र कुमार, तकनीकी सहायक रंजीत कुमार, स्टोर प्रभारी उदय भान वर्मा उपस्थित रहे। सर्वप्रथम तकनीकी सहायक रविंद्र कुमार द्वारा महिला संरक्षण व महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत जानकारी, महिला कृषकों को दी गई सहयोगी कृषक गुड़िया देवी के द्वारा महिला कृषकों को समूह गठन व समूह रिवॉल्विंग फंड की विस्तृत जानकारी दी। समूह गठन संचालक कैसे किया जाएगा, समूह का गठन कैसे होगा और उसमें मिलने वाले सरकारी अनुदान की जानकारी दी। कृषकों को आधार बनाना, वर्मी कंपोस्ट का व्यापारिक उत्पादन, सरसों तेल उत्पादन व बेकरी गार्डन सब्जी उत्पादन, बीजों का संरक्षण करने की तकनीकी जानकारी महिला कृषकों को दी गई। सहायक तकनीकी प्रबंधक महाराज कुमार द्वारा बागवानी व फल संरक्षण पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, रेउसा सीतापुर। एक सौ दस हर ग्राम पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक दो तीन ऐसे ऐसी महिलाएं ट्रेंड हैं जो खुद का अपना आगे बढ़ाने को चाहती। तो आप लोग भी, जैसे कि हमारी ये महिला बैठी, देखो एक लाइन से इतनी यहाँ तक हैं, इतनी महिलाओं से पूछो कि कितना कोशिश कर रही हैं। इनको ये नहीं पता था अपना साइन हम कैसे करें, मगर इन्होंने खुद अपने घर में दीवारों पे ले के पन के हम आगे बढ़ें। हमने पूछा, हमने कहा कि जब तक आपका साइन नहीं होगा हमारे ग्रुप में आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग कुछ ऐसा करो जो आगे बढ़ो और घर के काम में समय मत, फालतू समय मत व्यतीत करो, है कि नहीं। अगर तुम लोग चाहो तो बहुत सारी हेल्प अपने हाथ से आगे बढ़ने की कर सकते हो, है कि नहीं। इसलिए अपने तो हम भी करेंगे, तुमको देख करके कोई आगे बढ़ने की खुद कोशिश करे, खुद इतना अपने आप में जागरूक हो जाओ, है कि नहीं है। क्योंकि हर हर ग्राम पंचायत में, हमने बोला भी कि हर ग्राम पंचायत में 10-12 महिलाएं ऐसी हैं जो खुद का अपना आगे बढ़ाने का कारोबार सोच रही हैं, और कुछ लोगों को कारोबार मिल भी चुका है। जो आंगनबाड़ी का पोस्ट हर ग्राम पंचायत के ग्रुप को दिया गया है, कोटेदार को गल्ला मिला है, वो कोटेदार का गल्ला हर एक ग्राम पंचायत की बार समूह 36 ग्रुपों को दिया गया है। मतलब अभी तक वितरण हो चुका है और अभी आगे हो रहा है। स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा, जितना भी सरकार दे रही है, जो भी सामान हर ग्रुप को देना चाहती है, कि जो ग्रुप अगर ग्राम पंचायत में जाएगा ना तो प्रधान और कोटेदार के खाते में कोई चीज़ जाएगी, जो भी चीज़ें हैं वो तुम लोगों को ही दी जाएंगी। तुम लोगों के द्वारा एक अवसर सरकार ने आपको दिया है। लीटर पानी में घोल देना है इसको, ये घुल जाएगा सब आराम से। उसमें जो है एक किलो गुड़ और आधा किलो बेसन डाल देना है, और 10 से 15 दिन तक इसको जो है हिलाते रहना है पानी को, और 10 से 15 दिन तक। जिसे आपके लोगों में घर में सिरका होता है ना, सिरका जिसे उठता है, ये जिसे नीचे से उबाल मारेगा और हल्की सी स्मेल आती पराली लेयर बाई पराली थोड़ी रखने के बाद, और उसमें इसके 15 से 20 दिन बाद ये जो है आपकी पराली खाद में परिवर्तित हो जाएगी। खाद उठा के अपने खेत में डाल सकते हैं। पराली जो है जलाने से अच्छा यही है कि आप अपनी उसी पराली को खेत में फिर से डाल दें। अगर जिसको विधि समझ में ना आई हो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है इसकी विधि बनाने की। सबको समझ में आ गई?